मैं आज आपको दिखाने वाला हूं अपने सिंगरौली का जो क्षेत्र है, जो कि जोसर विधानसभा क्षेत्र आता है। यहां के विधायक हैं हमारे माननीय राजेंद्र मिश्राम जी, और यहां पे बहुत सारी कंपनियां हैं। जिस रोड को मैं आज दिखा रहा हूं आपको, इस रोड से होते हुए अदानी पावर प्लांट की बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, जैसा कि आप मेरे वीडियो में गाड़ियाँ चलते हुए देख सकते हैं। ये रोड जो है रात को एकदम से खाली नहीं रहता है, पूरा कोयला लिए हुए गाड़ी चलती है। जो रोड देख रहे हैं पूरी तरह से खराब हो चुका है, कहीं रोड देख सकते हैं टूटा फूटा है, लेकिन इसको जैसे कपड़े फट जाता है तो जोड़ के अलग से कपड़ा रख के चक्की जिसे बोलते हैं हम लोग इधर, उस तरह से उसको बना दिया जाता है। इस तरह से रोड को भी बना दिए हैं, ठीक है, और 10 दिन बाद फिर रोड ख़त्म हो जाएगी। एक महीने रोड चलती है फिर ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से करते करते देख सकते हैं पूरा रोड ही बर्बाद है। इसको बनाने के लिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। यदि हमारे यहाँ के जो विधायक हैं या सांसद जी हैं, यदि वो लोग चाहते हैं तो कंपनी रोड बनवा सकती है इसको, क्योंकि लेकिन ये प्रधानमंत्री रोड है, कंपनी बनवा सकती है, क्योंकि इस रोड से आम आदमी से ज़्यादा लोगों का कंपनियों का आना जाना लगा रहता है। इस कंपनी की गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है, जो अदानी पावर प्लांट है उसकी जो कोयला लेके जो गाड़ियाँ चलती हैं, बड़ी बड़ी ट्रकें चलती हैं, इसी रास्ते से होते हुए पूरी ट्रकें चलती हैं उसकी, ठीक है। लेकिन हमारे विधायक जी जब से चुनाव जीते हैं, इसके बाद से पता नहीं कौन सी दुनिया में है कहाँ है, लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है कि रैली वैली पे कर रहे हैं, लोगों को माला वाला लेके उनको लोग जाते हैं पहनाते हैं, लेकिन इतने दिन हो गया आज तक हमारे विधायक जी समझ नहीं आया क्या काम किए हैं। चुनाव हो गया, सरकार बन गई मध्य प्रदेश में, न तो किसी को रोजगार की बात किए, न तो कहीं कुछ बात किए। विधायक जी जो है हमारे राजेंद्र मिश्राम जी, उनसे निवेदन है कि थोड़ा जनता को भी देख लें। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे काम कर रही है। नितिन गडकरी जी हैं, पूरा हाईवे बनवा दे रहे हैं, और यहाँ देख सकते हैं प्रधानमंत्री का रोड नहीं बन पा रहा है। तो इसमें आम जनता की कमी है, उसके साथ साथ हमारे जो क्षेत्र के विधायक जी हैं इनकी तो बहुत बड़ी कमी है। जब से चुनाव जीते हैं हमारे विधायक जी का रहता पता नहीं है कहाँ पे गायब हो गए हैं, और कंपनी तो उसको क्या करना है, अपना काम चल रहा है। इस रास्ते से आम लोगों को आने जाने में कितनी दिक्कत होती है, ये आम जनता से पूछे कोई तो पता चलेगा। खासकर यहाँ की जो मीडिया भी है ना, लोकल मीडिया वाले, वो लोग तो उनको ऐसा लगता है कि महीने का भत्ता जाता है मीडिया वालों को, उनको कोई मतलब ही नहीं है। और वो लोग भी देखता हूँ नेता मंत्री के पीछे लिए माइक घूमते रहते हैं, उनको आम जनता से क्या लेना देना चल रहा है, दुनियादारी कोई मतलब नहीं है, कहीं भी देखने कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। अगर कोई बोलता भी है उनसे कुछ करने को, तो मीडिया वाले इस चीज़ को ध्यान भी नहीं देते हैं कि क्या करना, उनको आम जनता से लेना देना है नहीं, क्योंकि उनको तो कंपनी से और नेताओं से भत्ता मिल रहा है, तो आम जनता से क्या मिल रहा है, उनको क्या करेंगे, उनको तो अपना पेट भरना है ना, बस गरीब के नाम पे जैसे बोलते दे दे रे बाबा भिखारी जो होता है, उसी तरह से यहाँ के जो मीडिया वाले हैं उनकी हालत हो चुकी है। लेकिन मीडिया वालों को ध्यान देना चाहिए कि आम जनता के लिए आप कर रहे हो, उनके नाम पे जो ले रहे हो, तो उनके पक्ष में कुछ काम करो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।